गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी फ़िलहाल मैं सोशल मीडिया थोड़ा सा देख रहा था तो मैंने देखा वहाँ पर एक बाढ़ सी आई हुई है, द केरला स्टोरी जो मूवी रिलीज़ हुई है अभी उसके बारे में। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ पर एक थोड़े डिफरेंट स्टाइल में, कि हमारे पास क्या सिर्फ एक मुद्दा बचा है कि हम जो है ये डिस्कशन करें कि इस मूवी में क्या हुआ है, जबकि सारा एक प्रोपेगेंडा है। अगर मैं राइट विंग की बात करूँ तो भी एक प्रोपेगेंडा है, अगर मैं लेफ्ट विंग की बात करूँ तो भी एक प्रोपेगेंडा है। आप ये सोचो हमें किस दिशा में लेके जाया जा रहा है कि हम किन टॉपिक्स पे बात ना करें। हम राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में कितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर ये स्टेट है अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में, इंडिया में कितनी बेरोजगारी है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स उठाए जिन पर डिस्कशन किया जाना चाहिए, जो मुद्दे होने चाहिए। अभी हाल ही में कर्नाटक के चुनाव हुए, आप ये सोचो पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुद्दा क्या था पता है वहाँ पर? बजरंग दल वर्सेस बजरंग बली। आप ये सोचो खुद क्या लॉजिकल चल रहा है इस देश में। आप आने वाले भविष्य में देश के आप सर्विसेज में जाओगे तो आपके पास क्या मुद्दे होंगे, कि आपके कैसी मतलब सोच लेके जा रहे हैं उस तरफ। तो हमारे पास अपनी थॉट्स को जो है ना, मैंने उस पर सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं। हालांकि ये थोड़ा एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट से नहीं है, पर हमारे व्यूज़ तो पता चलेंगे हम किस दिशा में सोचते हैं। हो सकता है आप राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो सकता है आप सपोर्ट करते हो लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर हो सकता है आप जो है किसी भी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको आप बिलोंग करते हो। सबके थॉट्स अलग प्रोसेस होते हैं, सब अलग तरीके से सोचते हैं। पर यहाँ पर देखो हमारे पास डिस्कशन के लिए क्या और मुद्दे नहीं है। मैंने कुछ सिलेक्टेड मुद्दे लिए जो कि एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए। उन मुद्दों में से है डेमोक्रेसी, वायलेंस, कास्ट, जेंडर इक्वलिटी, करप्शन, पॉल्यूशन। ये ऐसे मुद्दे हैं जो एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए सभी के पास। मैंने थोड़ा एक इंडेक्स बनाया इनका, उन पर बात करेंगे, फैक्ट्स रखेंगे हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्या इन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। तो बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। ये मैंने अभी लेटेस्ट आंकड़े उठाए हैं, यहाँ पर आप देखिए CIIL के HR सर्विसेज के निदेशक और CEO आदित्य मिश्रा के अनुसार अक्टूबर से जनवरी जो 2023 है, इस सीज़न में खुदरा आपूर्ति श्रृंखला पॉजिटिव वित्तीय सेवाओं ई रोजगार कॉमर्स सेक्टर में गिरावट आई है। देखो एक तो बेरोजगारी कितनी है यहाँ पर अपने देश में। CMII के अनुसार मार्च 2023 में भारत के श्रम बाजारों में गिरावट आई, बेरोजगारी दर में 7.5% से बढ़कर 7.8% जो है बेरोजगारी दर हो गई भारत के अंदर। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, आप सोचो वहाँ पे फीमेल जो पॉपुलेशन है वो भी कम है, बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है हालत ख़राब है, 26% आप मान सकते हो, 100 काम करने वाले से 27 लोग वहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं। राजस्थान में आप खुद देखो, राजस्थान में 26% बेरोजगारी और वो सेम ही है। लेकिन हमारे पास मुद्दे क्या है बात करने के लिए, द केरला स्टोरी, ठीक है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ उसके बाद आते हैं, फिर कुछ तर्क दिए जाएंगे कि भाई भारत भारत में थोड़ी है सभी देशों में। तो आप ये सोचो भारत में, भारत ही कौन से देश में स्टैंड कर रहा है इन कंट्रीज़ में। भारत से पहले चार देश हैं जिनमें ये बेरोजगारी, देखो जो गरीब देशों को तो आप भूल ही जाओ ना, पर भारत उनमें से थोड़ी है। भारत लड़ता है, भारत पाँचवें नंबर पर आता है ऐसे देशों में जिनमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, ठीक है। सबसे पहले पर अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका वो देश है जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है अभी फिलहाल में। उसके बाद अगर बात करें तो भारत जो है पाँचवें नंबर पर आ रहा है बेरोजगारी में, ठीक है। ये बात करी मैंने बेरोजगारी की। ऐसे मुद्दे होने चाहिए एक स्टूडेंट के पास कि जिन पर डिस्कशन हो। इसके अलावा हम बात कर लें कि ये देखो आप यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ क्राइम रेट्स की इंडिया में, ये क्राइम रेट का डेटा मैंने उठाया रिसेंट में, आप देखो इंडिया क्राइम रेट में कहाँ पर जो है रेट स्टैंड कर रहा है, क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए हमारे पर डिस्कशन के लिए। इंडिया में जो है 1 लाख में से 2%, मतलब आप ये मान लो 1 लाख का 2% हो गया, लगभग 2000 लोग जो है क्राइम रेट की सपोर्ट में आ रहे हैं, ठीक है। क्राइम में इन्वॉल्व है 1 लाख में से 2 लाख, 2000 लोग, ये छोटा आंकड़ा लग रहा है आपको, ठीक है। अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो लगभग 1, 2, 3, 4, 5 छठे या सातवें स्थान पर भारत आ रहा है क्राइम के अंदर। ये इन इन टॉपिक्स पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ ध्यान भटका दिया जाता है, हमें उन मुद्दों की तरफ घुमा दिया जाता है जिनका हमारे सोशल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है उनका। आप किस रिलीजन की प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, आप किस कास्ट की रिलीजन प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, ये हमारे लिए मुद्दे नहीं होने चाहिए। अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि जो है रिलीजन वो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए रिलीजन, ठीक है। राजनीति में जो है धर्म का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक है। इसके बाद करें कुछ अदर इंडेक्स की, तो देखो ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है कि फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्विसेज, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। हम देखो लास्ट कंट्रीज़ में से स्टैंड करते हैं, लगभग 41 में से 135 पे आ रहे हैं हम, 48 पे आ रहे हैं, 143 पे आ रहे हैं, 147 पे आ रहे हैं, 146 में आ रहे हैं।
अब सोचो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं हम, ठीक है, 156 कंट्रीज़ में से हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, 153 पे कर रहे हैं, 51 कंट्रीज़ में से हम 48 पे स्टैंड कर रहे हैं, सोचो लास्ट से, क्या ये हमारे लिए मुद्दे नहीं होने चाहिए स्टैंड के प्रॉस्पेक्ट से। ये तो रहा फीमेल पार्टिसिपेशन का, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया में करप्शन की, तो करप्शन में भी इंडिया कोई खास प्रैक्टिस नहीं कर पाया, 180 देशों की लिस्ट में से इंडिया 85 पर है, दिख रहा होगा आपको, ये लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी, 180 कंट्रीज़ में 85 पर करप्शन में इंडिया, सोचो क्या ये मुद्दा नहीं होना चाहिए हमारे लिए। इसके अलावा बात करें हम 85 कंट्रीज़ के, मैंने आपको बता दिया करप्शन में, इसके अलावा हम बात करें कि पॉल्यूशन क्या मुद्दा नहीं है हमारे लिए, कि भारत कौन से कहाँ वर्ल्ड की टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में इंडिया आता है, मतलब जो टॉप कंट्रीज़ है ना पॉल्यूटेड वर्ल्ड की, उनमें आता है 8वें नंबर पर है, पहले 5वें नंबर पर था, थोड़ा इंप्रूव कर लिया, 8वें पर आ गए। ये 131 कंट्रीज़ को सिटी इन्होंने कंट्रीज़ को कैलकुलेट करा था, और इंडिया जो है उसमें 8वें नंबर पर आया है, आप सोचो, आप मान सकते हैं इस चीज़ को, क्या ये मुद्दे नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमें कहाँ घुमाया जाता है, सिर्फ रिलीजन की तरफ, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ये मैंने थोड़े डेटा आपके सामने रखे कि इन पर डिस्कशन होना चाहिए, एक स्टूडेंट के प्रॉस्पेक्ट से, एक सोशल आप एक सामाजिक व्यक्ति की तरफ से जो है इन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, पूरा यूट्यूब पूरा इंस्टाग्राम सब कुछ ट्विटर सब द केरला स्टोरी के पीछे पड़े हुए, क्या है भाई उस केरला स्टोरी में सारे फेक नंबर दिए हुए हैं, हुआ होगा एक दो का कन्वर्जन माना जा सकता है, उस पर जो है देश की क्या पुलिस सक्षम नहीं है, आर्मी सक्षम नहीं है उस पर एक्शन लेने के लिए। आप ये मानते हैं कि इंडिया का एक स्टेट इतना ख़राब हो गया है कि हमारी आर्मी उसको नहीं संभाल सकती, पुलिस नहीं संभाल सकती, सब पे विश्वास उठ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप द केरला स्टोरी में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो अब वहाँ पर जो है यूट्यूब पर भी जो है राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों लड़ रहे हैं कि भाई किसने क्या बोला किसने क्या सच बोला, लेकिन जो फैक्ट है ना जो खुद मूवी में दिखाया है वो मैं आपको बता देता हूँ, खुद इन्होंने माना है, ये आप जाके ट्रेलर में खुद जाके देख सकते हैं कि ये जो स्टोरी है 3 यंग गर्ल्स की है बस। लेकिन हाईकोर्ट ने बोला आप जो फिगर दिखा रहे हो 32,000 का वो गलत है, यहाँ पर आपको ये हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने फिर यहाँ पर खुद 3 यंग गर्ल्स के बारे में बताया, इसमें से 2 क्रिश्चियन थी एक हिंदू थी जो बाद में कन्वर्ट होकर इस्लाम गई और आईएसएस जो है वहाँ पर गई, ठीक है। तो ये स्टोरी है गाइस, इसके अलावा जो है इसमें हमें मुझे नहीं लगता है इसमें ज़्यादा बहस करने के लिए कुछ है, हमको हमारा फोकस जो रखना चाहिए वो स्टडी पर रखना चाहिए और उन पॉइंट्स पर रखना चाहिए जो हमारे काम के हैं और जो इंडिया को आगे प्रोग्रेस पर ले जाए, ना कि उसको बल्कि वहाँ ले जाए उस टाइम पर जहाँ पर सिर्फ रिलीजन का बोलबाला था इस कंट्री में, सिर्फ धर्म के बारे में बातें होती थी, तो हमें इतना पीछे नहीं जाना है, ठीक है। धर्म एक मुझे ऐसा लगता है कि एक प्राइवेट प्रैक्टिस होनी चाहिए हर किसी इंसान की, और अगर कोई कन्वर्जन हो रहा है तो उसके लिए पुलिसिंग है आर्मी है सारे ऐसे लॉज बनाओ मिनिस्ट्री है बनाए जा रहे हैं उससे सब चीज़ कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। गाइस आपका इस बारे में क्या सोचना है आप मुझे बताइएगा, फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव ग्रेट डे।